चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा, एक क्रिकेट मैच की पारी में तीन खिलाड़ी ए, बी और सी ने कुल 361 रन बनाए। यदि ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से अनुपात तथा बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का सी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का अनुपात 3:2 है, तो ए और ए के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या क्या थी। यानी कि सिंपल सी बात कही इसने एग्जामिनर ने कि ए और बी का जो रेशियो है वो बी और सी के रन के रेशियो के बराबर है। यानी कि एग्जामिनर ने कहा कि भाई ए और ए बाय जो बी है उनका जो रन का रेशियो है वो 3:2 है, और वही रेशियो जो है आपका 2:C का है। इसका मतलब है ए और बी का अगर मैं रेशियो लूँ तो ये मेरे पास में 3:2 आएगा, और बी और सी का रेशियो लूँ तो 3:2 में कितना आएगा आपका, आपका ये 2 आएगा। तो इसका मतलब है इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में 9 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 6 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 4 आएगा। यानी कि सीधी बात, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए जो ये रेशियो आएगा ए बी और सी का आएगा। अगर मैं इन तीनों को का सम करूँ तो मेरे पास में टोटल कितना आ रहा है आपका, 19 आ रहा है। जबकि एग्जामिनर कह रहा है कि सम कितना है इसका आपका, 361 आ रहा है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका, 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे इसे मल्टीप्लाई करे उसी से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना होगा, 171। यानी कि टोटल रन जो बनाए ए ने वो 171 बनाए। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं, एग्जामिनर ने कहा कि ए और बी ने जो रन बनाए वो 3:2 के अनुपात में बनाए, बी और सी ने का जो रेशियो रन का वो कितना है आपका, वो भी 3:2 है। तो इसका मतलब ए जो बी की वैल्यू है वो मेरी कितनी होनी चाहिए आपकी, कॉमन होनी चाहिए। बट यहाँ तो मेरे पास क्या अलग है, यानी कि एक बार बी 2 है, एक बार 3, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। और जैसे ही हम एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम लेंगे वो तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी बी का रन आ जाएगा। और इस 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, और इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में किसका आ जाएगा, सी का रेशो आ जाएगा। यानी तीनों का रेशो आ गया। अब तीनों के रेशो को मैंने जोड़ा तो मेरे पास 90 आ रहा है, यानी कि इन तीनों ने मिलकर 19 रन बनाए, बट एक्चुअली बनाए कितने, 361। और 19 × 19 करूंगा तो 361 आता है। तो इस 19 को मुझे 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 361 बनाने के लिए। जिससे से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से इस पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे रन मिल जाएंगे टोटल कि ए ने कितने बनाए, 171। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।